खबर सारण बिहार से, जहां आज जन स्वराज पार्टी की बैठक सारण जिला के एकमा एवं भेलदी पंचायत के मुखिया राहुल सिंह के समर्थन में क्षेत्र के पंचायत भवन पर रखी गई थी, जिसमें सारण जिला के विभिन्न क्षेत्र से आए जन स्वराज जिला अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रवक्ता और मंडल अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक इस सम्मेलन में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष राम पुकार महतो, पूर्व जिला परिषद मनोरमा कुमारी, प्रवक्ता कुलदीप महासेठ, मुखिया राहुल सिंह जो कि पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे, जिला परिषद प्रतिनिधि अमित सिंह, जिला पार्षद प्रतिनिधि पप्पू सिंह, झुन्ना लाल यादव, सरपंच महेश राय, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी के विकसित एवं विस्तार तथा कई मुद्दों पर बारीकी से चर्चा की गई। सभी ने सर्वप्रथम परिचय प्राप्ति के बाद आए हुए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपना विचार रखा तथा जनसुराज की मुहिम को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाना है इस पर चर्चा की गई। बता दें, इन दिनों में बिहार में जनसुराज से नायक प्रशांत किशोर आज भी पैदल यात्रा कर जन जागरूकता से लोगों को जोड़ रहे हैं और बिहार में एक नया बदलाव है तो गांव-गांव जाकर लोगों को बिहार के पिछड़ेपन की बात बता रहे। वहीं सारण जिला के भेलदी में जिस तरह से आज जन स्वराज के कार्यकर्ता और उनमें हुआ जोश और उमंग नजर आ रहा था कि आने वाले समय में चुनाव से पहले एक बड़ी पार्टी उभर कर आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि जो लोग अलग अलग दलों में अपनी भूमिका कार्यकर्ता इन पदों पर निभा रहे थे, विधि प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होकर जनसुराजी बनते दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक तीसरे मोर्चे की आहट शुरू हो गई। जनसुराज में अधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक का एक ही मिशन है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर बेहतर कार्य कर सके और जन जन तक यह बात पहुंचा सके कि आप अपने घरों से अपने बच्चों के लिए बिहार निकले और हमारे जनसुराज से जुड़कर एक नई मुहिम को समर्थन दे। आज पार्टी की बैठक में आने वाले समय में कई निर्णय लिए गए, जिनमें पार्टी को पंचायत और वार्ड स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए इस पर पूरा बल दिया गया। आज की बैठक को लेकर सारण जिला के जिला कमेटी अध्यक्ष राम पुकार महतो, मुखिया राहुल सिंह तथा प्रवक्ता कुलदीप महासेन ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आज काफी संख्या में जनसुराज पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई? मुख्य रूप से संगठन पर चर्चा हुई है। अभी तो पार्टी बना नहीं है, संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा और खासकर जितने हमारे साथी जो अपना विचार रखते हैं वो संगठन पर ही मुख्य रूप से अपना विचार दिया। क्या जिला में भी कोई कार्यालय खोलने की बात हो रही है? हाँ, जिला में कार्यालय खोलने की बात हो रही है महमदा के पास में और लगता है कि अगले संडे तक इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा और पार्टी में किस पद पर मनोनीत है? मैं अशोक कुमार सिंह, जिला स्तरीय कमेटी का सभापति। आज में जनसुराज की बैठक हुई जिसमें आपका भी अहम रोल रहा, क्या कहेंगे जनसुराज की पार्टी की बैठक को लेकर, किन किन बातों पर चर्चा हुई? जनसुराज की बैठक हुई आज दिल्ली में। जनसुराज के सभी पदाधिकारी, हमारे सभापति, अध्यक्ष, प्रमुख, प्रवक्ता, सभी लोग यहाँ आए और जनसुराज के जो सोच है बिहार में शिक्षा व्यवस्था, बिहार में रोजगार, बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं सब पे अच्छे लोगों को पद पर लाकर समाप्त करके बिहार को अग्रणी राज्य लाने का कोशिश कर रहे हैं, इसी पे चर्चा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राहुल कुमार सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत।